तो एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये कोई रोस्टिंग वोस्टिंग वीडियो नहीं है, ये एक सीरियस मैसेज है, तो इसे प्लीज़ सीरियसली लो। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था इस लड़की के ऊपर। ये जो लड़की है, ये गाड़ी ठोकने के बाद बचने के लिए पुलिस वाले के सामने बोल रही थी कि मैं कपड़े खोलूँ क्या, और ऊपर से ये पुलिस वाले को गाली दे रही थी और आर्मी वाले को गाली दे रही थी। मैं तुम लोगों को बताया था, और भाई तुम लोगों को मैं वो वीडियो क्लिप भी दिखाया था कि जिसमें ये लड़की जो है वो अब्यूज़ कर रही थी पुलिस वाले को, आर्मी वाले को। पर भैया क्या इससे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब किसी ने कुछ एक्शन वैक्शन कुछ नहीं लिया, ये लड़की बच गई। क्योंकि भाई ये लड़की है, समझ सकते हो भैया, ये लड़की है, इसे कुछ नहीं हुआ। अगर इसके बदले कोई लड़का होता, ये सब कहता है अब्यूज़ करता, गाली वगैरह देता, भाई उसके साथ क्या होता, भैया उसे पेल देता, सब लोग मिलके भैया उसे पेल देते, भैया मैं क्या बताऊँ। पर भाई ये जो लड़की है ना, इसके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन वैक्शन नहीं लिया, क्योंकि भाई ये लड़की है, भाई समझ सकते हो ना, ये लड़की है इसलिए इसके खिलाफ कोई एक्शन वैक्शन नहीं लिया। और भाई मैं बता दूं, मैं लड़कियों के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लड़कियां बहुत अच्छी होती है, पर ये जो है ना फेक फेमिनिज्म, ये जो है ना वो एक कैंसर है, और मैं इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो भाई तुम लोगों को बताइए, कुछ दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें भाई 20-25 बंदों ने मिलके भाई 2-3 स्टूडेंट को बुरी तरह से मारा, भाई बहुत बुरी तरह से मारा। और तुम्हें से बहुत सारे लोग भैया वो वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर रहे हो और बता रहे हो कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना। और तुम्हें से बहुत सारे लोग है जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई एमएट यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, और कुछ ऐसे भी लोग है जिनको कुछ पता ही नहीं कि भाई क्या हुआ था। तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि भाई हुआ क्या था। तो भाई हुआ ये कि जो लड़की है वो अपनी गाड़ी बहुत ही अजीब तरह से लगा के रखी थी, तो गर्ड को बोल के इन लड़कों ने उसकी गाड़ी जो है वो साइड करवा ली। और उसके बाद इन लोगों के बीच में बहुत आर्गुमेंट हुआ, मतलब बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हुआ। और उसके बाद एक टाइम आया, ये जो लड़की है शी सेड रुक तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। और ये जिस लड़की ने कहा ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि दिल्ली या एनसीआर में ये हर जगह सुनाई देती है बार बार। और उसके बाद भाई जो हुआ, मतलब भाई क्या बताइए, जो लड़की है 20-25 बंदे कहां से उठा के लाई, कॉल वॉल करके, या फिर इसके कोई गैंग बैंग है, नहीं मतलब तुम लोग समझ रहे हो। आर्गुमेंट के एक घंटे बाद ये जो लड़की है वो 20-25 बंदों को लेके इन लड़कों के क्लास में जाके भाई चेयर्स टेबल उठा उठा के फेंकने लगी इन लोगों के ऊपर। और भाई इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को चोटें लगी, इंक्लूडिंग द टीचर। और भाई ये सब यहीं पर खत्म नहीं होता, वो जो 2-3 लड़के थे जिसके साथ इस लड़की के आर्गुमेंट हुआ था, वो लड़के क्लास के बाहर आके इसको कंप्लेन करने के लिए भाई कॉल कर रहे थे, तब सामने से फिर से भाई 20-25 बंदे आके ईंट पत्थर पाइप रॉड से मारने लगे। नहीं मतलब भाई बहुत बुरी तरह से मारने लगे। एक बंदे को तो इतना मारा वो बंदा अभी आईसीयू में है। और भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये कैसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, मतलब कोई गार्ड्स वगैरह भी नहीं है, इस बंदे को इस तरह से मार रहा है, कोई गार्ड्स वगैरह भाई रोक नहीं रहा। और भाई अगर कोई टीचर भी एक बार पुलिस को कॉल कर लेता, भाई ये सब इतनी दूर तक कभी नहीं जाता, पर किसी को कोई परवाह ही नहीं। और भाई पब्लिक की बात क्या करें, हम पब्लिक तो दूर दूर से चिल्लाते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए इसके साथ, वो करना चाहिए। और जो लोग सामने रहते हैं वो क्या करते हैं, वो हाथ में मोबाइल लेके एकदम बढ़िया सा सेल्फी खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, कोई जान की परवाह नहीं करता, उसे मार दो भाई, फेंक दो, बिरयानी बना के खा लो। हम पब्लिक बस वीडियो बनाएंगे, फोटो लेंगे और अपलोड करेंगे, और भाई कोई रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोकेगा, सब देख देख के मजे लेंगे। और भाई यहाँ पर पब्लिक की बात छोड़ो, ये जो लड़की है ना ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। इस लड़की के खिलाफ जब FIR करने गए, तब जाके देखा ये जो लड़की है ना इन लड़कों के ऊपर ऑलरेडी FIR करके रखी है। भाई क्या बात है, नहीं मतलब ये जो लड़की है ना, पहले तो ये ठीक से गाड़ी पार्क नहीं करेगी, अगर कुछ कहेगा तो इसे धमकी देगी, और 20-25 बंदे लेके भाई क्लास के अंदर घुस के स्टूडेंट्स को मारेगी, और उसके बाद भैया खुद ही FIR करेगी। क्या बात है ना, मतलब लड़की तो एकदम सही खेल गई। और भाई ये सब करने के बाद तो सब लोग इसे हेट करेंगे ना, मतलब अगर मैं भी ऐसा करता हूँ तो तुम लोग मुझे हेट करोगे। और जब लोग उसे हेट करने लगे, उसे गालियां वालियां देने लगे, तब जाके ये अपनी इंस्टाग्राम पे ये लिखा, गलती इंसान से होती है, मैं भी इंसान हूँ, सॉरी टू ऑल। भाई क्या बात है, माफी मांगने की स्टाइल देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करके माफी मांग रही है लड़की। नहीं मतलब हम जो लड़के हैं ना भाई, हम तो हलवा है, 20-25 बंदे लेकर आओगे, हमको मारोगे, मारने के बाद भाई इंस्टाग्राम पे सिंपली सॉरी लिख दोगे, खेल खत्म, सब कुछ केस सॉल्व। मैं बता देता हूँ ये जो फेमिनिज्म वर्ड है ना भाई, इसका मतलब है समान अधिकार। मैं पहले ही बताया था, अब भी बता देता हूँ, इसका मतलब है समान अधिकार। पर अब कुछ लड़कियों ने प्रूव कर दिया है ये जो फेमिनिज्म एक वर्ड है वो एक कैंसर है। हाँ भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये एक कैंसर है। कुछ लड़कियों ने तो भाई इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया, जैसे कि मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था कि एक लड़की ने गाड़ी ठोकने के बाद पुलिस वालों के हाथ से बचने के लिए कहने लगे कि मैं अपने कपड़े खोलूं क्या। नहीं मतलब ये सब क्या हो रहा है भाई, खोलो कपड़े अपने, खोलो, आज ग्राबी नहीं पहनी और पैंटी भी नहीं पहनी, खोलो कपड़े, खोलो, कोई मतलब नहीं मैडम। और एक बात मैं बता देता हूँ, मुझे गलत मत समझो, मैं सारे लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसी लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिसके लिए सारे लड़कियों के नाम खराब हो जाती है भाई। तो यहाँ पर मुझे जो सही लगा मैंने तुम लोगों को बता दिया, और तुम्हें जो सही लगे तुम लोग कमेंट पे बता दो, और अगर मेरी कोई बातें अच्छी नहीं लगे तो अपना भाई समझ के मुझे माफ कर देना। तो इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा बकबक कर लिया, तो इस वीडियो पे मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। तो ये वीडियो में इतने ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।